विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, ए ओ सी। इस ट्रायंगल का, ए ओ सी ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर के लिए ये साइड लेंथ चाहिए, ये साइड लेंथ चाहिए और ये साइड लेंथ चाहिए। ये साइड लेंथ अभी अननोन है ना, इससे मालूम नहीं है, तो ये साइड लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये साइड लेंथ अगर हमें मिलना है तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक्स का वैल्यू अगर मिला तो सब सेगमेंट्स हमें मिलेगा। यहाँ पर इस सर्कल में तीन कॉर्ड्स है, यहाँ पर ये भी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है और ए सी एक कॉर्ड है। तो ये भी और सी डी दोनों एक को एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट पर। तो हमें मालूम है इंटरसेक्ट द कॉर्ड का जो इंटरसेक्टिंग रूल है, इंटरसेक्टिंग रूल, कॉर्ड रूल, वो क्या बोलते हैं। अगर सपोज एक सर्कल है तो इसमें दो कॉर्ड्स, ये है ये बी है समझ लो, तो ये सी है ये डी है, तो ये जीरो है। तो दो कॉर्ड्स अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये सेगमेंट ये वो है समझ लो, तो सेगमेंट ये वो टाइम्स ओ बी सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट सी वो मल्टीप्लिकेशन विथ सेगमेंट ओ डी, वो दोनों बराबर रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सेगमेंट यहाँ पर ये है समझ लो ये, तो ये सेगमेंट अगर हम ये मान लिया, तो ये सेगमेंट हम बी मान लिया, इसे हम सी मान लिया, इसे हम इसको हम डी मान लिया, इसको ओ डी को, तो ये वो सेगमेंट ये वो इक्वल्स ये समझ लो, सेगमेंट ओ बी इक्वल्स बी समझ लो, सेगमेंट ओ सी सी ओ इक्वल्स अगर सी रहा तो सेगमेंट ओ डी इक्वल्स अगर डी रहा, देन ए बी और सी डी क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल्स सी इंटू डी होते हैं। ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड रूल है। इसके हिसाब से अगर हम ले लिया तो ये इस 3x प्लस 4 है, तो 3x प्लस 4 टाइम्स बी इज बी क्या है 6x प्लस 3 है इज इक्वल टू सी क्या है 3x प्लस 6 टाइम्स डी 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये 3x दोनों को एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 से भी दोनों को एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी बटरफ्लाई मेथड यूज करो। इधर 3x इंटू 6x में 3 6 18x स्क्वायर प्लस 3 3 9x प्लस 4 6 24x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बटरफ्लाई मेथड यूज करो, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 6 3 18x प्लस 6 2 12। यहाँ पर पॉजिटिव 12 है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 12 है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कट कर दो। तो यहाँ पर 18x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 24x है, तो ये बनता है 18x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो प्लस कर दो, तो 24 प्लस 3 मीन्स 33x बनते हैं इज इक्वल टू 9x स्क्वायर एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पर भी दोनों लाइक टर्म्स हैं तो यहाँ पर 24x बनेगा। ओके, तो ये दोनों लेफ्ट साइड में लाओ, तो 18x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 18x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव 9x स्क्वायर रहेगा, 33 माइनस 24 मीन्स पॉजिटिव 9x रहेगा, इधर इक्वल 0। ओके, तो 9 से डिवाइड कर दो तीनों साइड, तो ए नाइन गया, ए नाइन भी गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 0 बनते। तो यहाँ पर x अगर कॉमन ले लिया दोनों में है तो x प्लस 1 इक्वल्स 0 बनता है, तो x का फैक्टर 0 का फैक्टर 2 बन रहे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, दूसरा मिल रहा है x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये राइट साइड में लो तो x इक्वल्स नेगेटिव 1 आ जाएगा, ये तो x इक्वल 0 है। ठीक है, यानी हमें x का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहा है,
तो हमें कौन सा शूट होता है वो देखो। अगर हमें एक्स का वैल्यू -1 लिया, यहाँ पर देखो 6x+3, 6x+3, एक्स की जगह में -1 लिया तो 6 × -1 मीन्स -6 बनते हैं, -6 6x+3 हो, ये जो वो भी जो सेगमेंट है वो 6x+3, एक्स की जगह में अगर नेगेटिव हम 1 लिया तो ये सेगमेंट क्या बनता है देखो, -6+3 तो -3 बनता है। तो ये जो वो भी है -3 बन रहे, अगर हम x=1 लिया, -1 लिया तो ये सेगमेंट तो नेगेटिव नहीं रहता, तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, इसे क्या रिजेक्ट करेंगे हम इस साइड। साइड लेंथ कभी भी पॉजिटिव में रहता है, नेगेटिव में नहीं रहता। अगर हम x=1 लिया तो ये साइड लेंथ क्या बन रहा है, ये जो सेगमेंट है ये बन रहा है -3। ओके, तो अभी बचा है x=0, तो सब में x=0 पुट करके देखो। अगर हम x=0 रहा तो ये वो, तो ये इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 3 × 0 = 0, 4 हो जाता है। ओके, तो बी की जगह में बी है 6x+3 है, तो इसमें अगर 0 रखा तो बी का वैल्यू हमें मिलेगा 3, और सी 3x+6 है, तो x= अगर 0 पुट किया तो ओनली सी का वैल्यू +6 आ जाएगा। तो डी में अगर 3x+2 है तो x=0 रखा तो डी का वैल्यू हमें मिलेगा +2। अभी देखो ए इंटू बी इक्वल सी इंटू डी अकॉर्डिंग टू क्वाड रूल, क्वाड इंटरसेक्टिंग रूल। तो ए इंटू बी मीन्स 4 × 3 इज इक्वल टू (?) 6 × 2, यस 4 × 3 = 12, इक्वल टू 6 × 2 = 12। ओके, तो ये वैल्यूज, ए का वैल्यू 4 आ गया, बी इज 3 आया, ए इज 4, बी इज 3, सी इज 6 और डी इज 2। तो अभी हम यहाँ पर ये निकाल के इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 4 रखेंगे, ठीक है, तो ये सी का वैल्यू क्या रखेंगे, सी इज 6 है, 6 रखेंगे, और बी का वैल्यू हम यहाँ पर ये निकाल देंगे, बी का वैल्यू 3 रखेंगे, और डी का वैल्यू क्या रखेंगे, डी इज 2। ओके, तो ये वो 4 हो गया, सी वो 6 हो गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है ये सी, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल सी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर ही क्या पे 4 है, तो 4² प्लस बी स्क्वेयर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6² इक्वल सी स्क्वेयर हमें निकालना है, तो 16 + 36 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो दोनों मिलाए तो 52 बनते हैं इक्वल सी स्क्वेयर। हमें तो सी निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट अप्लाई कर दो, तो ये दोनों चले जाएगा, तो सी का वैल्यू √52 हो जाएगा। तो √52 मीन्स सी का वैल्यू क्या मिलता है, 2√13। ओके, सी का वैल्यू हमें मिल रही है 2√13, इसका जगह में हम 2√13 रखेंगे, 2√13। तो अभी हमें साइड लेंथ तो मिल गया, अभी हम आराम से पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का समेशन, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो पी इक्वल्स ए इज 4 है प्लस बी इज 6 है, सी इज 2√13, तो पी इक्वल्स 4 × 6 = 10 होते हैं, प्लस 2√13 होते हैं। तो पी इक्वल्स अगर सिंप्लीफिकेशन पूरा किया हम तो 17.21 आना चाहिए, यानी पेरीमीटर 17.21 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो वही अगर एरिया निकलना है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ए इक्वल्स 1/2 ए इंटू बी, ए इक्वल्स 1/2 ए इज 4 है, बी इज 6 है, तो ए इक्वल्स 2 × 2 = 12, यानी ए का वैल्यू एरिया क्या मिल रहा है, 12 स्क्वेयर यूनिट्स।
तो हमें पेरीमीटर मिला और एरिया भी मिला, यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।